हेलो नमस्कार दोस्तों, आज है 7 अप्रैल और रविवार का दिन है। आज की कुछ बड़ी खबरें, कुछ ब्रेकिंग न्यूज लेकर हम फिर हाजिर हो गए हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमने अपने पिछले वीडियो में आपसे एक प्रश्न पूछा था कि भारत संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ था। इसका सही उत्तर दिया है हमें मिस्टर वरुण गौर ने, और इसका सही उत्तर है 1945 में। जी हाँ दोस्तों, 1945 में भारत संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ था। और अब बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। दोस्तों, आज का प्रश्न है, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान, ऑप्शन नंबर 4 गुजरात। इस प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। हम सही जवाब देने वालों का नाम अपने अगले वीडियो में शामिल करेंगे। तो बढ़ते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तो दोस्तों, आज की पहली सबसे बड़ी खबर है, 1 मई से सस्ता हो जाएगा 1 लाख रुपए तक का कर्ज। जी दोस्तों, अगर आप भी अपना घर खरीदने के लिए होम लोन लेने की सोच रहे हैं तो आपके लिए यह खबर काफी फायदेमंद है। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक 1 मई से 1 लाख रुपए से ज्यादा के कर्ज सस्ते हो जाएंगे। वहीं बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने विभिन्न अवधियों के कर्ज पर ब्याज दर में 0.05% की कटौती की है। एसबीआई के एमडी अजीत वसु ने कहा कि मई से एसबीआई 1 लाख रुपए ज्यादा कर्ज सस्ते करेगी और डिपोजिट की दरें भी घटाएगी। एसबीआई ने ऐलान किया है, 1 लाख रुपए से ऊपर के कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट पर 0.25 बेसिस पॉइंट की कटौती की जाएगी। नई दरें 8.25% होंगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों, अगली बड़ी खबर है, अब एक और स्टेशन का बदल दिया गया नाम। दोस्तों, चेन्नई महानगर की पहचान, चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन अब पुराचित तलाई व डॉक्टर एमजीआर सेंट्रल के नाम से जाना जाएगा। तमिलनाडु के मुख्य सचिव गिरिजा वैद्यनाथन ने इस संबंध में जारी सूचना में कहा कि शुक्रवार 5 अप्रैल से रेलवे स्टेशन का नया नामकरण कर दिया जाएगा। अब यह पुराचित तलाई व डॉक्टर एमजीआर सेंट्रल कहलाएगा। दोस्तों, अगली बड़ी खबर है जियो को लेकर, जियो का यूजर के लिए धांसू प्लान। जी हाँ दोस्तों, 6 महीने तक मिलेगा सब कुछ फ्री। दोस्तों, जियो ने 2 नए प्लान शुरू किए हैं। इनमें पहले प्लान की कीमत 594 रुपये और दूसरे प्लान की कीमत 297 रुपये है। इनमें पहले प्लान की वैलिडिटी 168 दिन की है। इसमें यूजर को अनलिमिटेड डाटा मिलेगा। इसमें प्रतिदिन 0.5 GB हाई स्पीड डेटा और उसके बाद 64 KBPS की स्पीड के साथ डेटा मिलेगा। इसके अलावा फ्री वॉइस कॉलिंग, 28 दिनों के लिए 300 SMS, यानी यूजर 168 दिन के लिए कुल 1800 SMS का लाभ उठा सकते हैं। वहीं दूसरे प्लान की वैलिडिटी 84 दिन की है। इसमें भी यूजर को अनलिमिटेड डेटा, प्रतिदिन 0.5 GB हाई स्पीड डेटा और 64 KBPS की स्पीड के साथ मिलेगा। इसके अलावा फ्री वॉइस कॉलिंग, 28 दिनों के लिए 300 SMS, यानी यूजर 84 दिन में कुल 900 SMS प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर आई है, कांग्रेस में शामिल हुए शत्रुघ्न सिन्हा पटना साहिब से लड़ेंगे चुनाव। जी दोस्तों, बॉलीवुड स्टार शत्रुघ्न सिन्हा शनिवार को औपचारिक रूप से कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। वे 2 बार लोकसभा सदस्य रहे हैं। पार्टी में शामिल होने के 3 घंटे बाद ही कांग्रेस ने शत्रुघ्न सिन्हा को पटना साहिब से उम्मीदवार बना दिया है। भाजपा ने सीट से रविशंकर प्रसाद को टिकट दिया है। शत्रुघ्न ने कांग्रेस के महासचिव KC वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला की मौजूदगी में सदस्यता ग्रहण की। दोस्तों, अगली बड़ी खबर है, चुनाव के दौरान वोट करने वालों को पेट्रोल डीजल पर मिलेगी भारी छूट। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में हर पार्टी वोट के लिए मतदाताओं को जागरूक करने में जुटी हुई है। चुनाव के लिए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अब पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन भी आगे आया है। इसके लिए पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने वोटिंग के दिन मतदान करने पर ईंधन बिल में छूट देने का ऐलान किया है। तो यदि मतदान के दिन अगर आप वोट डालते हैं तो आपको पेट्रोल डीजल की बिक्री में 50 पैसे प्रति लीटर की छूट दी जाएगी। शुक्रवार को ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने अपने एक बयान में कहा, हर मतदाताओं को वोटिंग के प्रति जागरूक करने के इरादे से प्रमोट वोटिंग मुहिम शुरू कर रहे हैं, जिसके तहत वोट डालने पर 50 पैसे प्रति लीटर की छूट मिलेगी। यह ऑफर इस मुहिम में हिस्सा लेने वाले पेट्रोल पंपों पर सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक उपलब्ध होगा। फायदा पाने के लिए ग्राहक को अपनी उंगली पर वोटिंग का निशान दिखाना होगा। तो दोस्तों, ये तो थी 7 अप्रैल की कुछ महत्वपूर्ण और कुछ बड़ी खबरें। आशा है वीडियो कुछ अच्छा लगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम दोस्तों फिर आज रहेंगे एक नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लर्न सब कुछ।